का अगर मारना हो, याद रखे फील्ड वही है, जमीन वही है, लिबास बदला हुआ। इंसान लिबास बदल कर आता है। उस जमाने से लेकर आज तक जमीन फिर बदलते रहे हैं तो मगर मेरे दोस्तों जमीन वही है, ये यूनिफॉर्म बदलता रहा है। तो ऐसे लोग अगर आपको मिले समझने, हर किसी के लोग कोई माल का चोर है, पहचान यही है कि उसकी जुबान पर नाते मुस्तफा होगा, उसकी जुबान पर हजरत की तारीफ होगी, उसकी जुबान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, जिक्र खुदा होगा और जिक्र मुस्तफा होगा।
जिसम मजबूत रहे तो हम लोग खाना खाते हैं, ताकि जिसम मजबूत हो इबादत भी कर सके। और एक ताकत रूहानी ताकत, एक जिसम की ताकत, एक रूहानी ताकत। रूहानी ताकत वो है जिसमें इंसान का ईमान ताजा होता है। उस ईमान को ताजा करने के लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, न बातों से ताजा हो सकता है, लेकिन शरीर इकट्ठा करने तो ताजा हो जाए, फिर मकान ज्यादा बनाने तो ताजा हो जाए, ये बात नहीं, बल्कि ईमान को ताजा करना है तो अपने दिल में हजूर किस तरह मोहब्बत करें अपने दिल से हजूर से, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा, दिल भी रोशन हो जाएगा। ये जो कुछ हम कर रहे हैं क्या है, इसीलिए तो है, ईमान की ताजी के लिए है। आज हम यहाँ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे तो वहां भी यही कुछ होगा, अब यही कुछ करेंगे। ये वो से आदमी के गाली शरीफ देते हैं, मिलाद नबी मनाते हैं, हजूर की मिलाद करते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, किस लिए, इसीलिए कि जब दुनिया से जाएंगे तो सब सामने मौजूद होंगे, सुभान अल्लाह, हजूर के सारे गुलाम होंगे। और याद रखे दोज़ख में मैं तो क्या मिला, साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मिला, साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक। हुजूर हुजूर को याद करने वाला, प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाला, प्यारे नबी के इश्क रखने वाला, प्यारे नबी का दीवाना मेरे दोस्तों गलत है, बल्कि वो जहन्नम क्या, बल्कि जहन्नम के करीब से गुजरेगा तो जहन्नम भी सर्द हो जाएगा, ऐसा दीवाना होगा। तो मेरे दोस्तों अभी आपने तलावत कुरान मजीद सुना, अब नाज़े मुस्तफा जो रूहानी गिज़ा है, इससे रूह ताज़ा होता है, ईमान पक्का होता है, ईमान मजबूत होता है, इसीलिए हम चलते फिरते उठते बैठते नाते मुस्तफा पढ़ते हैं। और आपको मालूम है कहीं भी जाए, रस्ते में, गलिये में, गांव में, विलायतों में, जमीन में, मकान के ऊपर, जमीन के अंदर भी आप चले जाए, बात जगह ऐसे तहखाने बना रखे हैं, वहां भी चले जाए तो शैतान हर जगह मौजूद है, शैतान हर जगह मौजूद है। कुछ लोगों का अकीदा है कि शैतान हर जगह मौजूद है, मगर प्यारे नबी हर जगह मौजूद नहीं है, ये उनका अपना अकीदा, हमारा अकीदा है कि शैतान देखना हर जगह मौजूद है, तो अगर ऐसा शैतान मिल जाए तो क्या काम करें, उसको देख करके सिर्फ कुछ रखें लाहौर पर, शैतान दूर भाग जाएगा, शैतान दूर भाग जाएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों को देख कर लाहौर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपके सामने बेहतरीन अच्छे नाम जनाब मोहम्मद सलीम रजवी आपके आ रहे हैं, आओ ईदगाह में आपके सामने खड़े होकर नाज़ शरीफ का नजराना प्यारे नबी की बारगाह में पेश करेंगे, आप लोग सुने अच्छी तरह समान सुनाए। इससे पहले कि नाज़ खान नाज़ शरीफ पढ़ने के लिए यहाँ तशरीफ लाए, एक मरतबा जोर से नारे लगाइए, नारे नारे लगाए हकीकत मोहब्बत के साथ। जो हजूर का नाम लेता है मेरे दोस्तों उसका मुंह हमेशा मिठाई देता है, मिलता ही रहता है, हम खाते ही रहेंगे। कुछ लोग ऐसे जो मिलता नहीं बेचारे चलते ही रहता, उनको दाल भी नहीं मिलता, उनका मुकद्दर उनके साथ और हमारा मुकद्दर हमारे साथ। तो नारे जरा जोर से लगाए ताकि मेरे दोस्तों ख्यामत करो कि जमीन गवाही दे, प्यारे नबी के गुलाम, प्यारे नबी के आशिक, प्यारे नबी की दीवाने ये आए थे और नारे रसालत का नारा लगाया, एक तो जोर से नारा लगाया, नारे तकबीर, सलामी देने वाली फौज
Oh, my.